Swift Things Are Beautiful by Elizabeth Coatsworth. Swift things are beautiful, swallows and deer, and lightning that falls bright veined and clear, rivers and meteors, wind in the wheat, the strong withered horse, the runner's sure feet, and slow things are beautiful, the closing of day. The pause of the wave that curves downward to spray, the ember that crumbles, the opening flower, and the ox that moves on in the quiet of power. Poem to हिंदी में इसे सुनने के टाइम आ गया है तो चलिए सुनते हैं बहुत तेज़ गति से भागने वाली जो चीज़ें होती है वो सच्ची में बहुत ब्यूटीफुल होती है क्योंकि वो बहुत तेज़ होती है अब इस तेज़ में ये एलिजाबेथ कोट्सवर्थ ने लिखी हुई पोयम है इसमें आप देख सकते हैं कि तेज़ गति से होने वाली जो चीज़ें हैं वो ब्यूटीफुल तो होती ही है अब कौन सी कौन सी है तो निगल होता है हरिन होता है और जो लाइटनिंग होती है बारिश के दिनों में जो वो गिरती है वो बहुत फास्ट तरीके से होती है हम आंखें झपकाते हैं तभी वो गिर जाती है इतनी क्लियर होती है कि हमें दिखाई भी नहीं देती जो नदी बहती है जो हमारे झरने होते हैं जो हवा गेहूँ के खेत में से बहती है और जोर जोर से दौड़ने वाला जो घोड़ा होता है उसकी दौड़ने की भागने की जो क्षमता होती है उसके फीट अच्छा अब ये हो गया तेज़ गति वाला लेकिन अगर हम देखेंगे तो स्लो गति से जो होता है वो भी बहुत सुंदर होता है फिर वो दिन जो है डूबने वाला हो सकता है जो लहरें धीरे धीरे धीमे गति से रुक के चलती है चल के रुकती है वो वाली जो कभी कभी किसी के लिए शामे बन सकती है वो ज्वालामुखी जो धरती के अंदर समाया होता है वो फ्लावर वो कली जब वो मलती है और फूल बनती है और वो थका हुआ बैल जो धीरे धीरे चलते हुए जाता है तो ये सारी चीज़ें जो है ये बड़ी ही धीमी गति से होती है लेकिन ये होती बहुत सुंदर है तो यहाँ पे हमें फास्ट भी और स्लो भी होने वाली गति के बारे में राइटर ने लिख के दिया है आपको आशा है कि मेरी ये जो एक्सप्लेनेशन है बहुत पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत आभारी हो जी